अस्सलाम वालेकुम मिस्टर जाहिर, मैं इसमें मौजूद हूँ बहरीन कराची कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर अपने ऑफिस के बिल्कुल सामने। और आज हमारी तमाम टीम जा रही है हॉक्सवे पे, वहाँ पर हमने हट बुक करवाया और आज की रात हम वहाँ पर पूरी टीम के साथ एंजॉय करेंगे। बस मेरे पीछे मौजूद है जिसके ज़रिए हम जाएंगे और मैं तमाम वीडियो कवर करूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। एक मैं आपको हॉक्सवे पे हट भी दिखाऊँगा, अंदर से किस तरह का बना हुआ है, आप किस तरह बुक करवा सकते हैं और कितने चार्जेस होते हैं, और दूसरा हम जो पार्टी इंजॉय करेंगे तमाम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी वीडियो का आगाज़ करते हैं, तो आओ मेरे नाल जी। तो ये हमारा ऑफिस है, लड़के तमाम रेडी होना स्टार्ट हो गए हैं, वेट कर रहे हैं बस बस चलने का। और ये बस है जिसके ज़रिए हम जाएंगे। नीचे हमने सामान वगैरह रखा है और क्रिकेट बैट भी मैंने रखा था ताकि वहाँ पर हम जाकर क्रिकेट भी खेल सकें। तो अभी चलते हैं और मज़ीद आपको दिखाते हैं जी। तो बस में तमाम लड़के बैठ चुके हैं, अंदर से कुछ इस तरह के सीन है और पीछे की तरफ कुछ इस तरह के खचाखच बस भरी हुई है। चुप भाई चुप, पक्की बेचने वाले आ गए। किधर गया तारक साहब? तारक साहब जी, तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं, नौजवान उतर रहे हैं और यहाँ पर ये हमने हार्ट बुक करवाया है और इसके ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है, अगर किसी ने रब्ता करना है तो यहाँ पर कहके बुकिंग करवा सकता है। अंदर से आपको एक दफ़ा सारा विजिट करवाता हूँ और उसके बाद हम जो पार्टी करेंगे, शुगर मेला करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे और इसका रेंट कितना है वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर बुफे सिस्टम लगाया गया है जैसा कि तैयारी जारी है। और यहाँ पर अभी बर्थडे हो रही है साजिद सुल्तान भाई की, हमारे टीम हेड हैं, और यहाँ पर इनकी बर्थडे सेलिब्रेशन होगी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका विजिट कराऊँगा। ये छोटा सा पूल बना हुआ है और ये खूबसूरत बर्थ इधर बने हुए हैं और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ मज़ीद। यहाँ से खूबसूरत व्यू कुछ इस तरह का आपको मिलता है, हट ओवरऑल अच्छा बना हुआ है। अभी आगे चलते हैं। ये आई गेस किचन बना हुआ है और उसके साथ रेस्ट रूम है और उसके बाद ऊपर भी सिटिंग बनी हुई है, वो मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। पहले आपको ये खूबसूरत व्यू आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर साउंड सिस्टम हट वालों की तरफ से आपको मिलता है और यहाँ से यहाँ पर भी सिटिंग आपको मिलती है। यहाँ पर टेबल्स मौजूद हैं, यहाँ पर आप नीचे अगर बैठना चाहते हैं तो वो भी सिटिंग दी गई है। और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलता है, खूबसूरत व्यू माशाल्लाह। ये नीचे आप यहाँ पर इसके अंदर जाकर नहा सकते हैं, बिल्कुल समुंदर के ऊपर बना हुआ है। और आगे यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं नीचे जाने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। और यहाँ से आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलता है, यहाँ से आप नीचे जाके खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं। अभी मैं अंदर की तरफ चलता हूँ और आपको मज़ीद दिखाता हूँ। यहाँ पर प्रॉपर टॉयलेट बने हुए हैं, यहाँ पर आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। ये तनवीर भाई हैं हमारे, ये तारक साहब हैं रिकवरी मास्टर। तारक साहब, ये लेडीज है? कोई मसला नहीं। अच्छा, हाँ जी। नहीं आई कोई लेडीज? हाँ, ये भी है आपके लिए। ये अभी मैं आपको अंदर से इसका दिखाता हूँ। ये अभी आपको रेस्ट रूम में दिखा रहा हूँ। वाओ, बहुत आउटक्लास। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्राइंग रूम टाइप बना हुआ है और यहाँ पर एसी मौजूद है और ऊपर भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसको सेट किया गया है। और आपको यहाँ पर फ्रीजर भी मिलता है। और ये इसके रूम्स हैं, ये रूम है आउट क्लास, ऐसे जैसे किसी फाइव स्टार होटल में आ गए। यहाँ पर भी एसी मौजूद है, यहाँ ड्रेसिंग मिलता है आपको और यहाँ पर वाशरूम अंदर भी खूबसूरत आपको मिलता है। एक रूम ये है, अभी हम इसके दूसरे रूम की तरफ चलते हैं जी। तो एक रूम यहाँ पर था जो अभी मैंने आपको दिखाया और एक रूम यहाँ पर है। वाओ, इधर तो ठंडक हुई है, एसी
चल रहा है बिल्कुल एसी चल रहा है जी। यहाँ पर भी एसी मौजूद है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर भी मैनेज किया हुआ है। ड्रेसिंग यहाँ पर मौजूद है, बेड मौजूद है और बहुत बड़ा आपको यहाँ पर वॉशरूम भी मिल रहा है। ओवरऑल बना अच्छा हुआ है। अभी मैं इनसे पैसे भी पूछता हूँ कि कितने दिए हैं हमारी टीम ने। ये हम दोबारा बाहर की तरफ आ गए और यहाँ पर भी सिटिंग दी गई है जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर प्लेइंग प्ले एरिया भी बना हुआ है। कैरम आपको यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर भी गेम मौजूद है, प्ले एरिया भी यहाँ पर बनाया गया है। अभी मैं ऊपर चलता हूँ और ऊपर भी एक रूम है वो भी आपको दिखाता हूँ और ऊपर से किस तरह का व्यू मिलता है आपको। वाओ, एक रूम ये ऊपर है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा रूम आपको यहाँ पर मिलता है। बेड है, ड्रेसिंग टेबल है और एसी यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी आपको वॉशरूम बड़े साइज में मिलता है। अभी हम इसका व्यू देखते हैं। ये नीचे से कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलता है। यहाँ पर बर्थडे हो रही है शाह सुल्तान साहब की और ऊपर से कुछ स्विमिंग पूल का इस तरह का व्यू है। यहाँ से आपको बहुत खूबसूरत समुंदर का व्यू भी मिलता है। तो ये था जी ओवरऑल इसका ओवरव्यू। हार्ट का बहुत अच्छा बना हुआ है, प्राइस में इसके साथ मेंशन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बुकिंग आप करवा सकते हैं। अभी हम एंजॉय करते हैं और साथ साथ पार्टी आपको दिखाते हैं। किधर गया जी? तो अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं और इसका मैं अगर रेंट बताता जाऊं तो 85 हमसे डिमांड की गई थी और 55,000 पे हमने इसको बुक किया। और यहाँ पर लाइव बारबेक्यू और खाना पीना हो रहा है जी। असल भाई खाने में क्या है? अस्सलाम वालेकुम। जो है ना हमारे ऑर्गेनाइजर हैं सारी पार्टी, ये अरेंज कर रहे हैं कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर की तरफ से। तो मुझे बताएं खाने में क्या है मेन्यू का? अस्सलाम वालेकुम जिया भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आज पूरी कैलिफोर्निया की टीम जिस तरह से यहाँ पे एक फैमिली गेट टुगेदर किया हुआ है, तो क्रेडिट गोज़ टू बिलाल तालिब साहब। सेकेंडली जहाँ तक आपने खाने का पूछा तो खाने में इसमें इतने सारे आइटम हैं कि आप जो है वो खा के आप थक जाएंगे, लेकिन जो आइटम्स हैं वो आइटम्स ख़त्म नहीं होने वाले। तो सबसे पहले अलहमदिल्ला हमारे पास बीफ में बिरयानी है, इसके अलावा लाइव कोयला कढ़ाई होगी, लाइव कोयला कढ़ाई के साथ साथ जो है वो चिकन बिहारी टिक्का होगा, तुर्किश कबाब है, और इसके अलावा लाइव तंदूर है, और इसके अलावा पराठे लाइव पराठे होंगे यहाँ पे। और डेजर्ट में जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और मेरी फेवरेट डिश है वो है कुल्फ़ी होगी। इसके साथ साथ जो है वो सैलेड, ग्रीन सैलेड भी होगा, और ग्रीन सैलेड के साथ साथ जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स, पानी की बॉटल्स और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। सुबह के इसके साथ साथ जो है वो जैसी सुबह का आप सूरज देखेंगे तो सूरज से पहले जो है वो आप हलवा पूरी का जो है वो मज़ा से जो है वो लुत्फानंदोज़ होंगे। एक ये थोड़ा सा बता दें, 55,000 के अंदर ये खाना पीना शामिल है या सिर्फ वो? नहीं, ये सिर्फ वेन्यू चार्जेस है। वेन्यू चार्जेस में आपका, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें होती हैं इसमें वेन्यू में, देखें अगर आप ओवरऑल इस पूरे हर्ट की बात करते हैं तो इसके जो एक्चुअल जो रेंट है ना वो है 35,000 to 40,000, फिर आपका इसमें डीजल आते हैं, फिर इनके अदर एक्सपेंसेस जो हैं यूटिलिटी चार्जेस हैं, तो ओवरऑल लमसम हम इसमें जाते हैं। लमसम जो मुझे इसका रेट मिला था वो 85,000 मिला था मैंने सर, 55,000 और 5,000 एडिशनल जो इनके जो है स्टाफ को जो वेटर्स वगैरह हैं उनको 500,000 इस तरह से देखे। सर खाना का एस्टिमेट है 1,50,000 जी, 110% जो है वो इसमें 110 से 120 लोग जो है उसमें लुत्फानंदोज हो सकते हैं खाने से, और ये सारे तमाम है। और इसके अलावा जो हम ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो एक अलग होती है, ज़ाहिर है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अच्छा, होती है। ये भी थोड़ा सा बता ही देंगे ट्रांसपोर्ट, अगर ये बड़ी बात हम करवा के तो ये कितने? हमने सर 31,000 बैरिया टाउन कराची टू हॉक्सवे एंड बैक टू बैरिया टाउन। बेहतरीन ही। अभी हम जहाँ पर लाइव बारबेक्यू हो रहा है, खाने वगैरह बनेंगे वो आपको दिखाएंगे।
ये किचन टाइप, ओपन किचन टाइप यहाँ पर बना हुआ है, और यहाँ पर बारबेक्यू स्टार्ट कर दिया गया है। ओह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है जी, बारबेक्यू फाइनली स्टार्ट हो चुका है। और ये कोयला कढ़ाई है, ये भी हाफ फ्राई हो चुकी है तकरीबन, और ये भी कुछ ही देर में तैयार हो जाएगी जी। तो लड़के कूद चुके हैं पूल के अंदर, माशाल्लाह जी। यहाँ पर आप देखें नमाज जारी है, पहले नमाज बाकी काम बाद में, तो हम भी नमाज पढ़ते हैं और फिर आपको वहाँ से मैं नीचे जा कर दिखाऊँगा जी। तो यहाँ से हम अभी नीचे जाएंगे, यहाँ तक पानी ऊपर तक आता है, अभी पानी नीचे गया हुआ है। वाओ जा रहे हो, बाय 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 कदीर, बाय बाय, अंदर अंदर केकड़े, इसमें केकड़े जी। तो यहाँ पर आपको लहरें भी सुनाई दे रही होंगी, तो ये खूबसूरत व्यू भी आपको हट के साथ मिलता है। इस पट्टी के अंदर दोनों तरफ हट हैं, इस आगे की तरफ भी हट मौजूद हैं और इस तरफ भी आपको हट मिलते हैं। हॉक्स पे ये एरिया है, चले फिर, चलो चलो आगे चलो, आगे आगे चलो, आगे चलो। यहाँ पर सी व्यू की नस्बत पानी बहुत साफ है, बहुत साफ है, आप आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा इसकी लहरों से। लो जी श्वीक, रोटी खोल गई जी। तो खाना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर लाइव तंदूर और गर्मा गर्म नान आपको मिलते हैं। और भाई तो काफ़ी प्लेट भर के लेके आए हैं, मेरे लिए भी लेके जा रहे हो? तीन लोग हैं। अच्छा तीन लोग हैं, तो लड़के खाना शुरू हो गए हैं जी, मेन्यू आपको बता चुके हैं और यहाँ पर आपको दिखा भी देते हैं। अपने अपने लिए डालना, चादर पे खाना बहुत ज्यादा पड़ा है, इजी हो के जरा आराम से भाई, आराम से। ये क्या था, कोयला कढ़ाई? अच्छा ये कोयला कढ़ाई, ये कोफ्ता कढ़ाई, ये कोफ्ते हैं, और ये बारबेक्यू है, और ये चावल है, चावल की खुशबू यहाँ तक आ रही है। और यहाँ पर रायता सलाद भी है, यहाँ पर क्या था, ये तो खाली हो गया, तो कढ़ाई गर्मा गर्म आ गई है, ये गर्मा गर्म नान, और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी। इट्स टू मच अमेजिंग, मुझे यहाँ से इसकी स्मेल आ रही है, इट्स टू मच वंडरफुल, इट्स टू मच डिलीशियस। और आई थिंक सो अभी हम ट्राई करेंगे, यहाँ पर जो मेन्यू में है काफ़ी सारी चीज़ें, समझ नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ें। अच्छा ये खाने का कुछ सीन है यहाँ पर। और शाहजे भाई आपने नहीं खाना, खाना तनोली साहब, मिस्टर मिस्टर बिजी हो जा शिकर। बिलाल भाई और टीम लीडर्स अदनान तनोली साहब, साजिद सुल्तान साहब और शाहजेब अली यहाँ पर अभी भी फुटबॉल खेल रहे हैं। बिलाल भाई आज बहुत अच्छी शॉट्स बिलाल भाई ने लगाई, बहुत अच्छा मैच हुआ हमारा, हमने इस तरह प्लान किया हुआ था, एक टीम इस तरफ थी और दूसरी टीम उस तरफ, और इस लाइन से आगे कोई हमारी टीम नहीं जाएगी, उस लाइन से आगे उनकी टीम नहीं आएगी, और फुल हिट करनी है। और ये दीवार इसका गोल था, और वो भी दीवार उस तरफ गोल था, तो ऑलमोस्ट अच्छा बिलाल भाई ने बहुत अच्छा खेला दूसरी टीम से। यहाँ से आपके भाई की अच्छी शॉटें थी और मैच 50-50 था, तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर भी। और यहाँ पर सिटिंग तमाम लगी हुई है, लड़के बैठे हुए हैं, मुस्तफा भाई भी धमाल डाल रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ा आ रहा है जी, ज़बरदस्त जनाब, बहुत मज़ा आया जनाब, ज़बरदस्त, थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, बहुत शुक्रिया। मैं नहाऊंगा अभी, खाना खा के नहाऊंगा, इतनी जल्दी नहाने वाली बात ही नहीं है। अच्छा बच्चे आप भी एंजॉय कर रहे हो? यस भाई बहुत अच्छा आ रहा है, मजा आ रहा है भाई, मजा। अच्छा खाना नहीं खाया? खा रहे हैं। अच्छा खा रहे हैं, ये भी बच्चे बैठे हुए खाना खा रहे हैं, और यहाँ पर भी सिटिंग है, जो ज्यादा खाते हैं वो यहाँ पर अंधेरे में बैठ के खा रहे हैं जी। तो सब खाना खा चुके हैं, यहाँ पर भी दस्तरखान लगाया गया था, और खाने के बाद दोबारा गेम जारी। शंकर हाथ
तो अभी सी व्यू के एन ऊपर फुटबॉल का मैच होने लगा है। टीम आ चुकी है यार, फुटबॉल मेरे पास आ गया, मेरे पास आ गया। ले जी यहाँ पर क्रिकेट सीन भी ऑन हो चुका है। सरमद भाई आए बॉल की बैटिंग कर रहे हैं। ओ तनवीर भाई ने बहुत अच्छी शॉट लगाई, क्या बात है। तनवीर भाई आउट नहीं हो रहे जी। तो जी क्रिकेट का सीन भी हमने यहाँ पर बना लिया और बैट हम लेके आए थे, बॉल और बैट। तो पिच हमें ये मिल गई है। तो अच्छा आप भी नज़र आ रहे हैं। तो ये हमने खाने के बाद लेज वगैरह और मीठे में कुल्फा था वो खाया, वो आपको दिखा नहीं सके क्योंकि हम बिजी थे खाने में। ये बॉल आई, ओए बहुत बुरी लगी है यार मुझे। तनवीर भाई शाटे लगाना नहीं रखा यार। तो फिर भी आउट नहीं हो रही इनसे, क्या बात है। आप तो है ही प्लेयर है ना असद भाई, आपके हाथ में मैनेजमेंट है, क्या बात है यार। असद भाई आज पूरा जो है ना चीजें मैनेज कर रहे हैं। चाय भी आ चुकी है जी, स्पेशल चाय। बहुत शुक्रिया असद भाई आपका, पूरा जो है ना मैनेज कर रहे हैं चीजों को। तो क्या मंजर है यार, फूल और चाय जी। तो एक नई सुबह का आगाज हो रहा है और सूरज ढलू होने वाला है, आप रोशनी हल्की हल्की यहाँ पर देख सकते हैं। और रात का हमारा इवेंट बहुत अच्छा गुजरा, बारबेक्यू पार्टी हुई और उसके बाद मीठे में स्वीट थी, फिर चाय हमने पी और काफ़ी एक्टिविटीज़ करने के बाद फाइनली हम सो गए। और दो से तीन घंटे सोने के बाद अभी हम उठे हैं और अभी नाश्ता होगा। नई सुबह का आगाज, यहाँ पर हलवा पूड़ी है, चने है और उसके साथ तरकारी है और सीन कुछ इस तरह है। यहाँ पर लाइव किचन आप देख सकते हैं, पूड़ी बन रही है। थोड़ा सा मैं आपको दिन में इसका व्यू दिखाता हूँ किस तरह का ये लगता है। ये वॉशरूम है, ये पूल है और अंदर से मैं आपको तकरीबन दिखा चुका हूँ। और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिला, ये खूबसूरत व्यू। अभी मैं ऊपर चलता हूँ और ऊपर से भी आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं और फिर मैं भी नाश्ता करूँगा और नाश्ते के बाद फिर मिलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं जी। तो यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलता है और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलता है। वाह, अभी हम भी नाश्ता करते हैं और मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मुर्शिद सब खा के जा चुके हैं, अभी आप अभी भी खाई जा रहे हैं। देखो खाने का मस्त ऐसा हुआ है मेरे भाई के हम आए थे घर से तैयारी करके, ठीक है, कैमरे वैमरे लेके, काले चश्मे लेके, ठीक है, ट्राउजर श्राउजर पहन के, ठीक है, शॉर्ट्स पहन के, कि भाई यहाँ सूरज निकलेगा कि हमने सूरज के सामने सेल्फियां बनानी है, ठीक है। बड़े भाई मसला ये हो गया, सूरज निकल नहीं रहा, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को दरखास्त जमा कराइए कि भाई अगर आप चाहते हो कि हमारी तरफ से रिपोर्ट ओके किया है पिकनिक की, ठीक है, तो बराए मेहरबानी सूरज को रिक्वेस्ट की जाए कि थोड़ी देर के लिए सही चंद लम्हात हमें सनराइज के दिखा दे ताकि हमारी ये पिकनिक कम्प्लीट हो, ठीक है सर। रात में ये समुन्द्र का पानी तकरीबन 300 से 400 मीटर पीछे था और आप अभी देख सकते हैं यहाँ तक पानी की लहरें आ रही हैं, बल्कि पानी ही यहाँ तक आ गया। तो ये अल्लाह की कुदरत है, रात में पानी
अंदर की तरफ चला जाता है समुंदर के, और दिन के टाइम इस तरह साहिल पर आता है जिस तरह अब यहाँ पर टकरा रहा है पानी। तो ये अल्लाह की कुदरत है, एक निज़ाम है अल्लाह का। तो ये नहीं कि एक दिन या दो दिन, ये हर रोज़ सालों साल से इसी तरह होता आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम दोस्त सनराइज का इंतज़ार कर रहे हैं, डॉक्टर साहब तो लगता है दूरबीन लेके खड़े हुए हैं जी। तो काफ़ी वेट करने के बावजूद भी हमें सूरज नज़र नहीं आया, तो अभी फाइनली जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुर्शिद क्या कहना चाहेंगे सूरज जी? अस्सलाम वालेकुम। सूरज बिल्कुल नज़र नहीं आया, ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का फेलियर है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सीनियर से कि जो है ना इसको मज़ीद आइंदा की पिकनिक पर बेहतर किया जाए। इस वक्त जो करंट सूरत हाल है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमने बहुत अच्छे से जो है ना वो समंदर में नहाया है। समंदर की लहरें जब आती हैं तो अपने साथ जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी को लेके आती हैं, और वापसी में जाते हुए जितनी आपके पास नेगेटिविटी होती है वो अपने साथ ले जाती हैं। ये समंदर के ऊपर आने की जो है ना एक बहुत बड़ी खसूसियत है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। थैंक यू जी। तो बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, यहाँ पर ज़रूर आएँ। यहाँ पर नहीं, अगर कहीं भी आप जाएँ तो दोस्तों के साथ जाएँ, आप बहुत इंजॉय करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट जगह पर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।